हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से यूजर से इंफॉर्मेशन लेंगे और उसको डेटाबेस के अंदर में स्टोर करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेटा को हम लोग फेच करेंगे मोंगोडीबी के अंदर से और उसको यहाँ पे हम लोग रेंडर करेंगे। राइट, सो फाइनली वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ रीडिंग द डेटा फ्रॉम द मोंगोडीबी। राइट, क्रिएशन हो चुका और अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट, सो ये सेकेंड ऑपरेशन है। फर्स्ट वन इज क्रिएट एंड द सेकेंड वन इज रीड। राइट, तो क्रड ऑपरेशन हम लोगों का चल रहा है, आप लोगों को तो मालूम है। सो लेट्स हेड ओवर टू आवर वी एस कोड एंड इन साइड द वी एस कोड वी हैव इम्प्लीमेंटेड द क्रिएशन ऑफ यूजर। राइट, और ये तो हमारा सर्वर एक्शन का पेज है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन के थ्रू हम लोग डेटा को फेच करेंगे अपने MongoDB से। राइट, सो राइट डाउन द फंक्शन एज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड द फंक्शन नेम इज फेच यूजर एंड दिस विल बी आवर एरो फंक्शन एंड दिस एरो फंक्शन शुड बी एसिंक एंड हियर वी विल इम्प्लीमेंट द ट्राई कैच ऑल्सो। So write down here the try catch and then receive the error, and if any error occurs then we have to display on the console. Right, so console log and then print the error. Right, and inside this try block let's create an instance of Prisma client. Aur sabse pehle hum log ek simple sa query karte hain. Right, aur iske andar mein hum log find karenge all information ko. Right, so I am trying to fetch all the users. Right, तो सारे यूजर को find करने के लिए हमारे पास function है find many. Right, तो find many हम लोग किसके through use करेंगे, तो Prisma यहाँ जो हम लोगों ने instance create किया उसके through. Right, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्या, तो Prisma dot user dot find many. Right, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड मेनी मिल जाएगा और इसके अंदर में आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। राइट, सो इट विल रिटर्न ऑल द यूजर फ्रॉम आवर मोंगोडीबी डेटाबेस। तो इससे अगर आप कोरिलेट करना चाहो तो आप लोग जो यूज करते होगे ना एसक्यूएल के अंदर में कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल नेम। राइट, तो ये इसी के इक्विवेलेंट हो गया हमारा फाइंड मेनी। राइट, और इसके अंदर में जो भी यूजर आएगा हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। राइट, सो ऑल यूजर्स यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ऑल यूजर्स एंड द यूजर्स विल बी स्टोर्ड इन ऑल यूजर्स। राइट, और यहाँ से जो भी यूजर आएगा अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करके देख लें तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कॉन्सोल डॉट लॉग एंड देन प्रिंट ऑल यूजर्स। राइट, ऑल राइट, सो हमारा बैकएंड का काम तो हो गया, अब हम लोग आते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर में। राइट, तो ये हमारा पेज था जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। राइट, और मैं केवल यहाँ से डेटा को फेच करने की कोशिश करता हूँ। सो हेयर वी हैव टू यूज द यूज इफेक्ट हुक। राइट, और यूज इफेक्ट का क्या काम है ये तो आपको मालूम है, जैसे ही हमारा पेज रेंडर होगा वैसे ही हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं यूज इफेक्ट एंड इनसाइड दैट वी हैव टू पास अ कॉल बैक फंक्शन एंड दिस शुड बी कॉल्ड एट वंस ओनली। राइट, सो डिपेंडेंसी एरे विल बी एम्प्टी एंड इनसाइड द यूज इफेक्ट आई विल क्रिएट अ फंक्शन। राइट, एंड द फंक्शन नेम इज गेट यूजर्स। राइट, तो गेट यूजर्स के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं एरो फंक्शन, और ये जो एरो फंक्शन होगा वो भी हमारा एसिंक फंक्शन होगा। राइट, क्योंकि ये हमारा सर्वर एक्शन के फंक्शन को कॉल करेगा। राइट, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया था फेच यूजर, इस फेच यूजर को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। राइट, सो राइट डाउन हियर द फेच यूजर एंड दिस विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम द एप लिब। राइट, तो ये जो आएगा फेच यूजर इसके आगे हमको यूज करना पड़ेगा अवेट, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये फेच यूजर वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। राइट, और यहाँ पे जैसे ही कॉल हो जाएगा
तो डेटा को फेच करेगा मोंगोडीबी से और इसको कॉन्सोल के ऊपर में डिस्प्ले करेगा, राइट। और ये जो कॉन्सोल है ये हमारा सर्वर का कॉन्सोल है, राइट। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के ऊपर में, इसको सेव करते हैं और एक काम अभी बचा हुआ है हमारा। तो यहाँ से जब तक हम लोग गेट यूजर को कॉल नहीं करेंगे ये हमारा काम करेगा नहीं, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू कॉल द गेट यूजर्स, ऑल राइट। एंड लेट्स कम टू आवर ब्राउजर। सो वी हैव नॉट रिसीव्ड, ओके ओके देयर इज अ प्रॉमिस। सो हम लोगों ने यहाँ पे अवेट का यूज नहीं किया, माई बैड। तो आप लोग भी यहाँ पे अपडेट कर लेना, ये छूट गया था अवेट, राइट। तो यहाँ से अब अगर हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को फिर से और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और जैसे ही ये रिफ्रेश होगा तो हम लोगों को कॉन्सोल के ऊपर में रिजल्ट मिल जाएगा। ऑल राइट, सो लेट्स कम बैक टू आवर VS कोड अगेन। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्सोल करके डिस्प्ले कर दिया, अब इसको हम लोग चाहते हैं कि इसे यूजर इंटरफेस के ऊपर में सेंड कर दो, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्सोल हो रहा है उसको रहने दो, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ ऑल यूजर्स को, राइट। और जो भी यूजर रिटर्न होगा इसको हम लोग रिसीव कर लेंगे अपने पेज के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड नेम रख लेते हैं यूजर डेटा, राइट। ऑल राइट, अब इस यूजर डेटा को मुझे रेंडर करना है अपने पेज के ऊपर में। तो आप आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग रेंडर कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि यूजर है या नहीं है, राइट। एक काम और बचा हुआ है, ये जो यूजर हम लोगों का आया ना उसको तो स्टेट वेरिएबल के अंदर में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। ये जो हम लोगों के पास यूजर डेटा आया, राइट, तो इस यूजर डेटा को मुझे स्टोर करना पड़ेगा एक स्टेट वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट एंड देन यूजर डेटा, और यहाँ पे कर लेते हैं सेट यूजर डेटा एंड दिस वुड बी अ यूज स्टेट, राइट। और यहाँ पे एक एरे ले लो क्योंकि हम लोगों को मल्टीपल यूजर मिलने वाला है, राइट। और यहाँ का जो यूजर डेटा आया इस यूजर डेटा को हम लोग अपडेट कर देंगे स्टेट वेरिएबल के अंदर, राइट। सो सेट यूजर डेटा इज इक्वल्स टू यूजर डेटा, वेरी गुड। अब हम इस यूजर डेटा को यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक इफ द यूजर डेटा प्रेजेंट, देन वी हैव टू रेंडर ऑल द यूजर डेटा। हियर इज यूजर डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर में हम लोग पास करेंगे यूजर को और एक लेते हैं हम लोग इंडेक्स को। और ये सब तो आपको मालूम है कि कैसे हम लोग मैपिंग करते हैं। एंड हियर वी विल टेक द कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा, और रिटर्न करते हैं तो ले लेते हैं यहाँ पे एक डिवीजन। एंड इन हियर वी हैव टू पास द की, अदरवाइज मुझे एक वार्निंग मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग की डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए यूजर का नेम और ईमेल आईडी, राइट। तो इसके अंदर में दो चीजें बना लो आप, कि एक यूजर नेम के लिए, राइट, और एक ले लेते हैं हम लोग ईमेल आईडी के लिए। सो हेयर इज आवर डिव, राइट, एंड इनसाइड डिव आई विल यूज द यूजर ईमेल आईडी, राइट। और इसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, क्लास नेम, और डिस्प्ले कैसा रखोगे आप, ग्रीड कर लो, और यहाँ से कर लो ग्रीड कॉल्स टू, राइट। और गैप भी अगर रखना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं गैप इज सपोज 4, राइट। और पैडिंग भी रखना चाहते हो तो पैडिंग भी थोड़ा सा रख लेते हैं हम लोग, पैडिंग 2। एंड बॉर्डर रखना चाहते हो तो आप बॉर्डर भी थोड़ा डाल दो, बॉर्डर ग्रे, एंड ग्रे व्हाट सपोज 400, एंड राउंडेड मीडियम। All right, so let's come to our page. All right, so we have got here the username and email ID. लेकिन हम लोगों को यूजर नेम यहाँ पे मिला नहीं,
राइट, तो शायद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। तो यहाँ पे यूजर नेम नहीं है, यहाँ पे है नेम, राइट। सो लेट्स कम टू दिस प्लेस। ऑल राइट, सो यूजर नेम एंड ईमेल। नाउ रिटर्न बैक टू आवर पीएस कोड और यहाँ पे आ जाओ आप क्रड ऑपरेशन के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा कि मुझे फाइंड मेनी करने हैं, मतलब मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन इसके अंदर में अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही फिल्टर करना है, राइट, तो यहाँ से फाइंड मेनी नहीं करके आप यूज कर सकते हो फाइंड यूनिक, राइट। तो यहाँ से फाइंड यूनिक कर लो। अब फाइंड यूनिक करोगे तो इसके अंदर में आपको प्रोवाइड करने हैं कंडीशन, राइट। जिस तरह से आप एसक्यूएल के अंदर में जाते हो और यहाँ पे लिखते हो ना कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग वेयर एंड देन कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग डालते हैं उसको यहाँ पे हम लोग सप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हमको यूज करना है कीवर्ड वेयर, राइट। और वेयर के पास हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट। और यहाँ पे आप अपना कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जिसका ईमेल आईडी पर्टिकुलर ईमेल आईडी हो तभी मुझे देखना है, राइट। तो यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कर दो कि ईमेल और ईमेल क्या होना चाहिए, राइट। तो देखो हम लोग आ जाते हैं अपने MongoDB के ऊपर में और यहाँ से किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी को कॉपी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यूजर हैं, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ user3 को, राइट, एंड देन पेस्ट हियर, राइट। तो जिसका ईमेल आईडी user3@gmail.com होगा केवल वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेव एंड आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द एरर मैसेज बिकॉज दिस इज नॉट एन एरे, राइट। एरे नहीं होगा तो हम लोग मैपिंग नहीं कर सकते ना, राइट। तो चलते हैं हम लोग वीएस कोड के अंदर में और उसको थोड़ा सा हम लोग फिक्स कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने चेक किया ना यूजर डेटा अगर एरे होगा तभी हम लोग इसके ऊपर में मैप फंक्शन का काम कर सकते हैं, राइट। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि एरे है या नहीं है, राइट। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यूजर डेटा है और उसका जो लेंथ होगा वो एटलीस्ट 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अगर 1 या 1 से बड़ा है देन वी विल यूज द टर्नरी ऑपरेटर, राइट। और अगर ये ट्रू है तो ये सारे काम करेगा, अदरवाइज वी हैव टू परफॉर्म द अदर ऑप्शन, राइट। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ div, राइट। तो यहाँ से बना लो आप div और यहाँ पे आप डायरेक्ट यूजर का जो डेटा है उसका नेम और ईमेल आईडी डिस्प्ले कर दो, राइट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूजर डेटा डॉट नेम और साथ में मुझे ईमेल आईडी भी चाहिए, तो यूजर डेटा डॉट ईमेल, राइट। नाउ सेव इट एंड रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द user3 एंड user3@gmail.com। ऑल राइट, सो वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। और फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने क्रड ऑपरेशन के अंदर में और यहाँ पे आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको छोड़े जाता हूँ इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में, जहाँ पे आपको सारे ऑपरेटर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, राइट। जैसे यहाँ पे आप अगर कंडीशन को यूज करना चाहते हो तो न्यूमेरिक कंडीशन अगर होता है, सपोज करो कि आपके पास कोई सैलरी फील्ड होता तो आप क्या करते हैं, सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90,000 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जितने भी ग्रेटर देन लेस देन वगैरह सब हैं वो सारे ऑपरेटर्स हैं। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, जैसे GT हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में, राइट। तो यहाँ पे है इसका प्रिज्मा का डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे आपको मिलेंगे वेयर कंडीशन वाले, नॉट वाले, राइट। सो वेयर नेम नॉट इक्वल्स टू लाइक दिस, राइट। और इसके ऊपर में अगर जैसे एसक्यूएल के अंदर में भी आप इन का यूज करते थे ना, जहाँ पे सेट ऑफ आइटम को आपको कंपैरिजन करने होंगे, तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। सो इन द डॉक्यूमेंटेशन इट इज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल,
राइट, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, आप इसके थ्रू जा करके और इसको एक्सपेरिमेंट करो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।